कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज टीकमगढ़ पहुंचे। बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सभाओं का सिलसिला बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने टीकमगढ़ जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नाथ को सुनने के लिए बड़ा जनसैलाब उमड़ा। वहीं उन्होंने सीएम शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जमकर निशाना साधा। ये कैसी आशीर्वाद यात्रा है? टीकमगढ़ के बारे में तो आपने सुना, पर बाकी जगह कैसी आशीर्वाद यात्रा है? किसके खर्चे पर ये आशीर्वाद यात्रा है? ये जुटाई हुई भीड़, ये लाई हुई भीड़ किसके बदौलत है? शासकीय कर्मचारियों की और शासकीय राशि से हेलीकॉप्टर में आएंगे। हेलीकॉप्टर का खर्चा कौन देता है? मैं तो पूछना चाहता हूँ, ये राशि किसकी है? ये जो पंडाल बनता है, ये डोम बनता है, ये किसकी राशि है? कितना दुरुपयोग आप कर रहे हैं हमारी जनता की राशि का। सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने बेरोजगारी पर निशाना साधते हुए नया नारा दिया कि 4 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो बिजली का पूरा बिल हाफ और भाजपा साफ। अगर मगर किंतु परंतु की बात नहीं है, 4 महीने में कांग्रेस की सरकार बनेगी और किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। बिजली पूरी और कुल मिलाकर चुनाव को मुहाने पर एमपी में कांग्रेस का वनवास खत्म करने के लिए कांग्रेस चीफ कमलनाथ भरसक कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता का रुख क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, टीकमगढ़।